फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सिक्स्थ क्लास का। चैप्टर नेम था हमारा नाउइंग आवर नंबर्स, मतलब कि नंबर्स के बारे में जानना कि नंबर्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है, नंबर किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। ये सब हमने देखा था। सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे नेचुरली जो चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। वन से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड था हमारा होल नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक हमारे जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। थर्ड था हमारा इवन नंबर। इवन नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि जिनका रिमाइंडर जीरो आता है, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे हमारा टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, इस टाइप्स के नंबर्स को हम इवन बोलते हैं। और थर्ड फोर्थ था हमारा ओड नंबर की। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टू से कम्प्लीट डिवाइड ना हो, जिनका रिमाइंडर जीरो ना हो डिवाइड करने में। जैसे वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा प्राइम नंबर, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर स्टूडेंट्स हमें पता है वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, मतलब कि जिसका फैक्टर वन हो और वो खुद हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स में हमने देखा था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा टू है, और जो इवन प्राइम नंबर है वो भी हमारा टू ही है, और वन टू फिफ्टी जो हमारा इवन नंबर है वो क्या है? फिफ्टीन है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स में स्टूडेंट्स वो आता है जो वन और खुद से अलग अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इससे आगे था हमारा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी हमारा न्यूमिनेटर होता है, क्यू हमारा डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर मीन्स क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो आते ही हमारा रिजल्ट डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर अगर हमारा जीरो होगा तो। सेकंड कंडीशन थी कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसमें रिपीटेशन होनी चाहिए, मतलब कि अगर उस नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में क्या है, नंबर की रिपीटेशन होनी चाहिए। या फिर हमारा वो टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, मतलब कि अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हमें जो रिमाइंडर है जीरो मिलना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी डिवाइड। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या है? रेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट था हमारा इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका ना तो टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, मतलब कि अगर किसी नंबर से उसको डिवाइड करें तो ना तो वो टर्मिनेट हो कहीं भी जाके, मतलब कि रिमाइंडर जीरो ना हो, और दूसरा था कि हमारा ना ही उसमें रिपीटेशन हो। तीसरा है कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और रेशनल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट था स्टूडेंट है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर्स में क्या है स्टूडेंट्स? हम नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं। जीरो हमारा मिड पॉइंट होता है। जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। तो उन टोटल्स सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि इंटीजर नंबर है। आज हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा कंपेयरिंग द नंबर। भी नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब हमें ये पता हो कि कौन सा नंबर इसमें से छोटा है, कौन सा बड़ा है, तभी लिख सकते हैं। इसके लिए हम दो रूल यूज़ करते हैं, दो ऑर्डर यूज़ करते हैं नंबर को अरेंज करने के लिए। एक होता है हमारा क्या है, एक हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर
का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अरेंज दी नंबर, अरेंज दी नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि उनको हमने सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, क्या बोलेंगे कि नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते क्रम में उनको हमने अरेंज किया है। जैसे मान लो हमें दे दिया जाए 7, 3, 9, 55, 0, और इसको बोले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है हमारा 0, फिर उसके बाद 3, फिर 7, फिर 9, फिर 15, ये 55, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा सेकंड आता है नंबर को अरेंज करने का जो तरीका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टूडेंट होता है हमारा, डिसेंडिंग का मतलब क्या आएगा कि घटना, डिसेंड होना, छोटा, मतलब कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर होएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या बोल सकते हैं, अरेंज द नंबर, अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मान लो हमें नंबर दे दिया जाए 3, 7, 11, 55, 100, और बोले कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे पहले, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 100 है, उसके बाद हमारा 55 है, उसके बाद हमारा 11 है, उसके बाद हमारा 7 है, उसके बाद हमारा 3 है। तो ये क्या होएगा, इन नंबर्स का हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या था कि हमारा नंबर को अरेंज करने का तरीका था। इसी टाइप से क्या होता है, जो सबसे हमारी छोटी 5 नंबर की जो डिजिट होती है वो हमारी होती है क्या, 10,000, मतलब कि 10,000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट का जो नंबर होगा वो हमारा होगा 10,000, 10,000, क्या होगा 10,000 होएगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो हमारी 4 नंबर की सबसे बड़ी डिजिट होती है क्या होएगी, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, 9,999। अगर इसमें हम 1 को ऐड कर दें तो हमारा 10,000 आ जाएगा। इसी टाइप से जो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होएगा वो क्या होएगा हमारा, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, इसी टाइप से हमारा जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होएगा वो क्या होएगा, 10 लाख। ठीक है, और इसी टाइप से जो हमारा 8 नंबर का, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होएगा हमारा, 1 करोड़।
1 crore. ठीक है, तो इनका हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है. एक होता है स्टूडेंट्स, हमारी प्लेस वैल्यू के बारे में आपने सुना होगा. इंडियन सिस्टम में जो हमारे भारत का जो सिस्टम है मैथ का जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम एक प्लेस वैल्यू बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब मान लो हमारा हो जाए 50,550. अब अगर हमें ये बोल दिया जाए कि जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, जीरो की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होगी, 5 की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होगी, इस 5 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, इस जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10,000. तो ये हमारी इंडियन सिस्टम में क्या है, प्लेस वैल्यू होती है. बात आती है कोमास का यूज़ करने की स्टूडेंट्स की. हम जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनमें कोमास का यूज़ करके उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, हमारा एक हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. इंडियन सिस्टम में स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं, 100 यूज़ करते हैं, 1000 यूज़ करते हैं, 10,000 यूज़ करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप से हम एक्सप्लेन करते हैं नंबर्स को. जो हमारा कोमास का रूल्स रहता है वो कैसे रहता है, जैसे मान लो हम ये वैल्यू लेते हैं, ये नंबर लेते हैं 50,550. तो जो हम कोमास का यूज़ करते हैं, हमारा पहला कोमा होता है, हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं, मतलब कि 100 के बाद, फर्स्ट कोमा हमारा 100 के बाद यूज होता है, फिर 1000 के बाद यूज होता है, फिर 10,000 के बाद यूज होता है, इस टाइप से. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कोमास का ऐसे यूज़ नहीं करते. इंटरनेशनल सिस्टम में हम कोमास का राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं और हर 3 डिजिट के बाद हम कोमा का यूज़ करते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मिलियन, बिलियन, इस टाइप से हम नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं. अब मान लो आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे ये बोल दिया जाए ये है, तो सबसे पहले बात आती है कोमास की. कोमास का मैंने आपको बताया कि हम 3 डिजिट्स के बाद कोमास का यूज़ करेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. ये देखो आप देख भी रहे हो कि हाँ ये 3 डिजिट हैं, इनके बाद कोमा का, फिर अब नेक्स्ट 3 डिजिट लिए, फिर ये तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले हम मिलियन का यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50 मिलियन. ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इस वैल्यू पे आएंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, 800. फिर ये देखो यहाँ बीच में जीरो है, अगर कोई नंबर होता तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग बोलते, फिर जीरो के आगे 1 है तो इसको हम बोलेंगे 1000. फिर नेक्स्ट है, हम जैसे इंडियन सिस्टम में बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे, 592. इस टाइप से हम इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सप्लेन करते हैं. तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, कि कैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, किस ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं. थैंक यू सो मच.